अपन दौड़ के आते कूद के इसमें गिर जाते, नहीं दे जाकर हड्डियां भी नहीं मिलती। तो गाइस ये है हमारे सब्सक्राइब गाइस, आपका स्वागत है सारा ब्लॉग में। तो आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज रक्षाबंधन, तो सभी के लिए रक्षाबंधन बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। और सीताराम जय बाबा श्रीराम। देखो आज अपन बहुत जल्दी शॉप खोल के बैठ गए हैं भैया, आ गए थे सुबह 8:30 बजे, मैं आया था 9:30 बजे, 7:30 बजे आ गए थे भाई, तो हम आए थे 9 बजे, हम आए 1 घंटा बाद, क्योंकि हमें बहुत टाइम लग जाते हैं तैयार हुए, तो देख ही रहे चंद मंत्र लग दे रहा भाई, हम फुल तैयार होके आते हैं, बिना फुल तैयार हो नहीं आते। तो अभी देख सकते हो कितने बज गए हैं, 11:35 हो चुके हैं, तो मस्त बैठे हैं यार। मौसम देख रहे हो कितना शानदार हो रहा है, देख सकते हो मौसम यार, मौसम भी बड़ा बेईमान है साला, कभी पानी गिरता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। मैं देख रहा था वीडियो मैंने ऑन की के नहीं की, कैमरा मतलब ऑन किया कि नहीं किया, तो पोपट हो जाता ना। तो भाई मैं आगे अभी कुछ दिनों बाद फिर से जाऊंगा, तो अभी 2 जगह का प्लान बन रहा है, एक तो अपना धाम जाऊंगा जरूर, धाम तो जाना है, बहुत टाइम हो, क्योंकि 1 मंथ से ज़्यादा होने वाला है कि गया नहीं, बाकी जाऊंगा ज़रूर, क्योंकि अभी गुरुदेव दतिया से भी आ चुके हैं कथा करके। एक खुशखबरी और दे दूँ मैं, अपनी 4.6 के समथिंग फैमिली जुड़ चुकी है भाई, आप लोग सब्सक्राइबर्स नहीं हो, आप हमारी फैमिली हो, जिससे भाई अगर मैं कहीं अकेला भी जा रहा हूँ तो आप लोगों से बातें करते करते मैं आराम से चला जाता हूँ। गाइस हमारे साथ में आ चुका है चक्रेश, हम जा रहे हैं मंदिर, अभी तो मंदिर पहुँच चुके हैं, ये चेक करें गाइस, ये देखो, तो जय सियाराम। गाइस फोन कर चुका है, बाकी कोई नहीं, फोन तो करता ही रहता है, मंदिर आ चुके हैं तो दर्शन करके आपसे मिलते हैं। चलो गाइस हम लोग मंदिर से आ चुके हैं, चक्की जा रहा है अपनी शॉप, तो चक्की से बोलते हैं बाय बाय, फिर मिलते हैं चक्की से शाम को, क्योंकि अब दिन भर चक्रेश रहेगा दुकान पे। तो गाइस ये चेक करें, देखो बरसात होने लगी है। गाइस हम आ चुके थे घर, घर आके खाना पीना खा के मैं सो गया था, तो जस्ट अभी उठा, तो चलो दुकान चले, चक्रेश भी आने वाला होगा, तो चलो चलो। तो हाय गाइस हम आ चुके हैं, हमने बोला था कि आज नहीं जा पा, कल नहीं जा पाए थे खुराई, तो आज जाएंगे, ये अपना सेटअप लेके जाएंगे अपन, मस्त आप सीन बताएंगे, मस्ती करेंगे रास्ते में, दोनों गाड़ी लेकर जा रहे हैं। चलो तो तैयार हो जाए, फिर मिलते हैं आपसे। तैयार गाइस हम मस्त तैयार हो चुके हैं अपना मोटर ब्लॉगिंग सेटअप लेकर, तो यार इसको ले गाइस अभी तक तो आवाज़ सही आ रही है, बाकी ये है कि बाइक पे और आवाज़ सही आए अगर तो मज़ा ही आ जाएगा यार, क्रेजी सीन हो जाएगा, क्रेजी। अपनी एक बाइक ये जा रही है और एक बाइक ये जा रही है, तो क्रेजी सीन होने वाला है भाई, और दोनों मैं दोनों जा रहे हैं, तो अपनी गुड़िया भी जा रही है चलते टाइम। चलो गाइस ये देख सकते हो कितना लेट करते हैं ये लोग, तो गाइस हम निकल चुके हैं घर से, तो गाइस लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई जंगल का एक प्राणी नहीं आ जाता, जैसे पक्षी कोई भी सुन जाए जंगल का, तो लोग उसको देखने के लिए एकत्रित हो जाते हैं उसी टाइम से। गाइस भाई निकल चुके हैं सामने, देख सकते हो गाइस, ये चेक कर सकते हो कितनी गाय बैठ जाती है यार, कितनी सारी। चेक करें गाइस, हमारी खुशी तो इसी में है यार, और कुछ नहीं, देखो क्या देख रहा है मम्मी, छोटा सा बच्चा देखो गाइस। हम पहुंच चुके हैं, चलो घर चलते हैं। अरे भैया अरे तो चलो गाइस 2 मिनट मोबाइल वगैरह सब रखने करने के लिए। गाइस घर पे आते साथ ही अपन आते हैं और हल्ला होने लगता है, ये सब देखो हम क्या है, ये सब उधर हम देखो मम्मी देखो। चलो तो गाइस मस्ती कर लें, चलो तो बातें कर लें आपसे। गाइस घर से निकल के हम लोग आ चुके हैं बाहर, तो सोच रहे हैं थोड़ा सा घूमाएं,
तो मौसम भी बड़ा बेईमान हो रहा है। मौसम को बेईमान होने देते हैं, अपन चलते हैं। चलो ये चेक करें, ये है नरेन नदी, क्योंकि अभी बहुत कम पानी है वहाँ की, देख सकते हो इतने पानी में ही हालत ख़राब हो रही है। गाइस एक चीज़ मैं बता दूँ, मैं यहाँ पे खड़ा था तो मैंने सोचा कि ये पीछे जो देख रहे हैं ये डिवाइडर टाइप में बना है, तो ये पुल है, मतलब वो रोड है। तो भाई अभी अपन दौड़ के आते, कूद के इसमें गिर जाते, नीचे जाकर हड्डियाँ भी नहीं मिलती हमें। तो गाइस बड़े भाग्यशाली हैं अपन जो बच गए बालाजी की कृपा से, वादा कूद गए आज तो हड्डी गई। मतलब कूदने वाला तो रियल में था मैं, बट कूदा नहीं। मैंने कहा पहले देख लो भाई क्या है पीछे, नहीं तो आज तो भाई काम हो गया था समझो। गाइस एक चीज़ चेक कराएं आपको, ये चेक करें गाइस, शानदार व्यू। ये निकलने के लिए हम लोग तैयार हैं, तो चलो चलें बताते हैं आगे कहाँ जाएगा। चलो गाइस अपने चक्रेश भाई साहब भी आ चुके हैं पीछे। तो भाई चक्रेश से मिलते हैं, सागर नाका पर खड़ा है। गाइस चक्की ने कुछ देखा है नहीं, फालतू में बोलता रहता है, ये देखा वो देखा है, भलाना ढकाना कहाँ से आ रहा है अब ये भी पता नहीं है। कहाँ से आ रहा हो यार भैया जो गाइस बस स्टैंड को बोल रहा है सागर नाका पे खड़े, कैसे कैसे पागल है। तो गाइस ये ऐसे ऐसे पागल दोस्त हैं जो उनको सागर नाका जो है सीताराम और कागज लगाते लंदे भीड़ में जे भाई साहब, इनको सागर नाका जो है वो जो कागज था बस स्टैंड। गाइस मस्त हम दोहिला में आ चुके हैं। तो गाइस इन भाई साहब को डोहिला वो सागर नाका हो रहा हो तो कहते हैं बस स्टैंड पर, हम तो कह रहे हम सागर नाका पर खड़े सागर नाका में, हम नहीं भैया तुम ना तुम बहुत ऊंचे लेवल के आदमी हो, हम नहीं तना कम जी मिला है फिर मिलते हैं आपसे ठीक है। तो गाइस एक बार और आए थे अपन नाइट में, जब आपने उदित नारायण आओ तो अब ध्यान आ गया याद है नारायण के उदित आओ तो भाई जब आए थे अपन, तो कोई नहीं पहले हम घूम लें फिर बताते हैं सब जान। गाइस ये हमारे फैन कृष्णा है जी, फरही में भी हमें मिल गए हैं, हमें आशंका नहीं आती कि जी हमें मिल है, बाकी मिल गए तो कोई बात नहीं। और कैसे हो? चलो तो गाइस बातें वगैरह कर लें फिर मिलते हैं। गाइस ऊपर से नज़ारा चेक करें, अपने भाई लोग वहाँ पर हैं, फैंस ये है। गाइस हमने चक्रेश को कह दिया बाय बाय, बेचारा वो परेशान हो रहा था तो इसलिए उसको जहाँ से उठाया था वहीं पर छोड़ दिया। तो गाइस कुछ देखने के लिए आए थे सामान, तो वो देख लें और फिर मिलते हैं आपसे, बताते हैं क्या देखने के लिए आए थे। चलो हम आए थे पलंग देखने के लिए जो बना बनाया है, क्योंकि मामा को बनवाना है, मामा को बनवाना है इसलिए। चलो बताते हैं आपके लिए देखने। गाइस अभी हम लोग घूम घाम के आ चुके हैं, अब जा रहे हैं घर पे, क्योंकि अब मम्मी बुला रही है राखी बांधने के लिए। तो चलो घर पे चलें फिर लौट के आएंगे, घूमेंगे जब आपके लिए फिर से बताएंगे कि आप कहाँ जाएंगे। तो चलो चले घर पे। चेक करें मम्मी ये बैठी है, तो बहुत भीड़ है यार सुनार की दुकान पर। तो गाइस अभी कुछ सामान लेना है, तो कुछ सामान लेना है ले लें फिर बताते हैं। गाइस हम लोग घर आ चुके हैं सुनार की दुकान पर, इतनी भीड़ थी भाई लिटरली यार, चाचा 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 नाना नाना कहते कहते पागल हुआ है। तो हमने कहा हम तो जा रहे हैं घर, तो हम आ गए थे घर पे। मस्त आपने वीडियो देखी ली होगी, तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हो नए ब्लॉग में, तब तक लिए बाय।